that. ओ सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी को बधाई देना चाहूंगी, जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर ये बजट बनाया। सर्विस टैक्स सेक्टर में अगर सबसे बड़ा सेक्टर कोई है तो वह रेलवे है, जहां 14 लाख लोग काम करते हैं, जहां प्रतिदिन 2.5 करोड़ लोग रेल के माध्यम से देश के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचते हैं। आज देश के सामने रेल का नेटवर्क 64,600 है, 600 किलोमीटर है, लगभग 12,335 से अधिक गाड़ियां चल रही हैं, 8,000 से अधिक रेलवे स्टेशन है। आज चीन की तुलना हम अपने देश से करें तो चीन में रेल नेटवर्क सबसे हमसे बाद में शुरू हुआ। 1957 में हमारा नेटवर्क 53,396 किलोमीटर था, 63 वर्षों में सिर्फ 9,000 किलोमीटर रेल लाइन बना पाए। आज चीन से तुलना करें तो माल ढुलाई का रूट 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि हमारे देश में 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनकी गाड़ियां यात्रियों को लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं और हमारे यहाँ 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलती हैं। स्टेशनों पर फैली गंदगी और रेल में भी गंदगी और शौचालयों के बुरे हाल देखकर लगता है कि कितनी कुव्यवस्था के शिकार भारतीय रेल है। इस और किसी भी रेल मंत्री का ध्यान नहीं गया। वायदों के पिटारे से और घोषणाओं के रथ पर सवार होकर क्या आप समझते हैं कि भारतीय रेल व्यवस्था ठीक हो जाएगी? आज तक रेल मंत्री नई रेलगाड़ियों गाड़ी चलाने की घोषणा कर देते थे, परंतु कभी जितनी घोषणाएं हुई तो रेलगाड़ी चल नहीं पाती थी, क्योंकि रेलवे के पास पैसों की कमी है। कभी किसी रेल मंत्री ने ये नहीं सोचा कि ये उसे व्यवस्थित किया जाए, कि जो उनके पास है उसे ही व्यवस्थित किया जाए। अब नई भारतीय रेल का पुनर्जन्म है। शायद इस संसदीय इतिहास में पहला बजट है जिसमें घोषणा नहीं की गई। रेलवे अब राजनीति तुष्टिकरण का उजार नहीं बनेगी। बजट में बात की गई है तो यानी सुविधाएं, सुरक्षा, अधोरचना को बेहतर बनाकर एक मजबूत आधार देने की। रेल मंत्री ने रेलवे पर व्यापारियों का विश्वास बढ़ाने और सुविधाएं देने के लिए बजट में कुछ घोषणाएं की हैं। सामान रास्ते में गुम ना हो, इसके लिए उसकी ट्रैकिंग की जा सके, इसलिए सामान का बार कोडिंग सिस्टम लागू करने और मालगाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की घोषणा की गई है। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में किसानों के लिए कार्गो सेंटर और भी कुछ सुधार की घोषणा की है। इन घोषणाओं पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। बजट में रेल मंत्री ने सीसीटीवी से सुरक्षा की बात महिलाओं को सबसे अधिक राहत दी है। महिलाएं अकेले सफ़र करने से कतराती हैं, यदि उनका सुरक्षा का ध्यान रखा जाए तो महिलाएं अकेले सफ़र कर पाएंगी, टिकट ऑनलाइन ले सकेंगी और यदि किसी को व्हीलचेयर चाहिए तो वह भी टिकट के साथ बुक कर सकेंगे। गर्भवती महिलाएं और हैंडीकैप लोगों और वृद्धजनों के लिए नीचे की बर्थ मिलेगी, ये भी एक अच्छी व नई सोच है। फर्स्ट और सेकंड एसी में तो फ़ोन चार्जिंग की सुविधा होती है, परंतु थर्ड स्लीपर में भी गरीब जन के लिए ये सुविधा हो, ये मोदी सरकार ने सोचा। रेल में बैठते ही स्मार्टफोन महज डिब्बा बनकर रह जाते थे, लेकिन अब वाईफाई लगने से युवा वर्ग सबसे ज़्यादा खुश है। पहले की अपेक्षा अब टिकट रिजर्वेशन 4 महीने पहले कर दिया गया है। 2 हेल्पलाइन ट्रेनों में खोली गई हैं। 9 रेल गलियारों में रेल की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने की बात की है। मानव रहित क्रॉसिंग खत्म करने के लिए 2600% ज़्यादा बजट दिया गया है और डिब्बों में फायर अलार्म, ट्रेनों में टक्कर रोधी तकनीक अपनाई जा रही है। ट्रेनों और स्टेशनों पर विज्ञापनों के जरिए कमाई बढ़ाई जाएगी। रेलवे में यात्रियों से बेहतर व्यवहार करने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी वित्तीय वर्ष में रेलवे का अपना विश्वविद्यालय बनेगा। 14 विश्वविद्यालय में रेलवे रिसर्च सेंटर बनेंगे। हमारे पास उच्च तकनीक की कमी है। 120 स्टेशनों की तुलना में
आगामी वित्तीय वर्ष में 650 अतिरिक्त स्टेशनों पर नए शौचालयों का निर्माण होगा। साफ सफाई का और वित्त पोषण के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर जोर दिया गया जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में साफ सफाई के लिए निर्धारित राशि में 39.6% की अत्यधिक वृद्धि की गई है। साफ सफाई में पेशेवर एजेंसियों को लगाया जाएगा और तथा हमारे कर्मचारियों की भी स्वच्छता की नवीनतम कार्य पद्धतियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि हिमाचल को आज तक कभी भी कोई रेलवे नहीं मिली, जो अंग्रेजों के टाइम में थी वही चल रही है आज तक। हिमाचल के सभी सांसदों की मांग पर भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए 160 करोड़ रुपया मिलेगा। नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 100 करोड़ का बजट दिया है। चंडीगढ़ बद्दी के लिए 95 करोड़ जारी होंगे। ऊना अम्ब के बीच 25 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के विद्युतीकरण को मंजूरी दी है। रेल बजट में पहली बार प्रदेश को 3 रेल लाइनों को 355 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे पहले सालाना बजट में 25 से 30 करोड़ रुपए ही मिलते आए हैं। इससे कुछ भी नहीं बन पाता था। इसके अतिरिक्त पठानकोट जोगिंदर नगर यार्ड लाइन सर्वे को 3.27 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जिससे पठानकोट मंडी ले रेल लाइन का रास्ता प्रशस्त हुआ है। पहली बार हिमाचल की पुरानी योजनाओं को भारी भरकम बजट मिला है। 3 रेल लाइनों के लिए 355 करोड़ रुपए मिले हैं। यूपीए की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा रेल मंत्री से एक आग्रह और है कि कालका से शिमला के लिए ब्रॉडगेज लाइन बिछाई जाए, ट्रेन शिमला तक जाए, जो मौजूदा टाई ट्रेन है उसकी गति बढ़ाई जाए। शिमला हिमाचल की राजधानी है, वहाँ ना तो पर्याप्त रेल सुविधा है और ना ही हवाई सुविधा है, जो इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। राज्य और केंद्र मिलकर कंपनी एक नया रेल मंत्री ने बनाया है कि राज्य और केंद्र मिलकर भी कंपनी बना सकते हैं, जिससे वह कंपनी अपने राज्य में रेल विकास के लिए बैंक से लोन ले सकती है। रेलवे क्रॉसिंग 3438 हैं, उनको समाप्त करने के लिए 238 ओवर ब्रिज और 732 अंडर ब्रिज बनाए जाएंगे। उसके लिए 1646 करोड़ का बजट रखा गया है। मैं रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा रेल बजट दिया, इसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ साथ में प्रधानमंत्री जी को। श्री राम कुमार कश्यप। सर, आपने मुझे रेलवे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। भारतीय रेलवे एक देश की सबसे सार्वजनिक सेवा है, बड़ी सेवा है। इसमें 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं और इसमें रोजाना 2,30,00,000 यात्री सफ़र करते हैं। वैसे तो सफ़र करने के अन्य साधन भी हैं, जैसे हवाई जहाज, बसें, परंतु आम आदमी की हवाई जहाज में सफ़र करने की हैसियत नहीं होती। और बसों को जहाँ तक संबंध है, बसें भी सब जगह के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए आम आदमी की उम्मीदें रेलवे पर ही टिकी हैं। परंतु सरकार का ये रेलवे बजट कई मानों में लीक से हटकर है। शायद यह पहला रेलवे बजट है जिसमें कोई लोक लुभावन घोषणा नहीं की गई, मंत्री ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की जो वो पूरी समय पर पूरी नहीं की जा सके। इसके लिए मंत्री को मैं दिल की गहराइयों से उनका मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। पर मैं यहाँ कहना यह जरूर चाहूँगा कि पिछले 9 महीनों से डीजल की जो रेट हैं आधे हो गए हैं, परंतु रेल भाड़ा कम नहीं हुआ, बल्कि उल्टा किराया माल भाड़ा बढ़ा दिया गया। इसका बहुत उस आम आदमी पर पड़ेगा जिसे आज सबसे अच्छे दिनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मंत्री महोदय द्वारा रेलवे बजट में 4 महीने पहले रेलवे टिकटों की बुकिंग की सुविधा देने, सामान्य कोचों की संख्या बढ़ाने, महिला कोचों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने, स्वच्छता पर अधिक ध्यान देने के साथ साथ मोबाइल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की पहल स्वागत योग्य कदम है। लेकिन रेलवे की लंबित 359 परियोजनाओं को पूरा किए जाने की दिशा में ठोस पहल नजर आती है तो बेहतर होता। यह परियोजनाएं कब और कैसे पूरी होंगी? इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1.82 लाख करोड़ रुपए की राशि कहाँ से आएगी? इसका कोई बजट में उल्लेख नहीं है।
बजट में साथ में ही बजट में हरियाणा प्रदेश की लंबित परियोजनाओं की भी कोई चर्चा नहीं की गई है, जिसके कारण हरियाणावासी निराश नजर आए हैं। मंत्री जी ने अपने बजट को तैयार करते समय प्रभु को याद किया, इस विचारधारा का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि सब कुछ प्रभु की कृपा से ही होता है और मुझे उम्मीद है इस रेलवे का विकास भी इस नीचे वाले प्रभु की कृपा से ही सफल हो पाएगा, ऐसा मेरा कहना है। हमारे मंत्री माननीय मंत्री प्रभु जी हरियाणा से जीत करके सभा में आए हैं, राज्य सदन में आए हैं और मैं भी हरियाणा से संबंध रखता हूं और हरियाणा वासियों को हमारे मंत्री प्रभु जी से बहुत सी उम्मीदें हैं, मुझे पूरी उम्मीद है वो उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। मैं हरियाणा के हित में और देश के हित में हरियाणा के संबंध में दो तीन मांगे रखता हूँ। मेरी प्रथम मांग है कि कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन को एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जाए। इसको विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का की घोषणा इस सदन में दो बार हो चुकी है, परंतु इस दिशा में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। कुरुक्षेत्र एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक जगह है। यहाँ का ब्रह्म सरोवर तालाब एशिया का सबसे बड़ा तालाब है और यहाँ पर सूर्य ग्रहण के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है। 10 लाख से भी ज्यादा यात्री इस मेले के अवसर पर इस रेलवे स्टेशन के माध्यम से इस मेले पे इकट्ठे होते हैं और विदेशों से भी काफी संख्या में पर्यटक हर साल अपने इस कुरुक्षेत्र को देखने के लिए और इस तालाब को देखने के लिए आते रहते हैं, इसलिए इस दृष्टि से भी रेलवे स्टेशन की उपयोगिता बढ़ जाती है। अतः इस स्टेशन की तरफ विशेष ध्यान देकर इसे विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का काम करें। दूसरी मांग मेरी अम्बाला यमुनानगर रेलवे मार्ग पर स्थित बराड़ा रेलवे स्टेशन से संबंधित है। यह स्टेशन इस समय इसकी स्थिति दयनीय है। यह स्टेशन हरियाणा प्रदेश को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने का काम करता है। अतः मेरी मंत्री महोदय से निवेदन है, इन दोनों प्रांतों के हित को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन को आधुनिक स्टेशन की सूची में शामिल किया जाए, ताकि यहाँ के निवासी भी उन सुविधाओं का फायदा उठा सके। मेरी तीसरी मांग कुरुक्षेत्र पटियाला वाया डांड रोड रेलवे लाइन के संबंध में है। इस रेलवे लाइन की घोषणा भी सदन में हो चुकी है और इस पे सर्वे का काम भी शुरू हो गया था, परंतु किन्हीं कारणों से ये सर्वे का काम पूरा नहीं हो सका। अतः मेरी मंत्री जी से निवेदन है कि इस रेलवे लाइन का पुनः सर्वे करा करके इस रेलवे लाइन को पूरा कराने का काम करें। इसके कराने से कुरुक्षेत्र कैथल पटियाला जिला के किसानों और नागरिकों को बहुत फायदा होगा, जो कि देश के हित में भी है। माननीय मंत्री जी, मेरे कुछ सुझाव भी हैं। कई बार यात्री जल्दी में टिकट नहीं ले पाते और वे जल्दी के चक्कर में गाड़ी में चढ़ जाते हैं, हालांकि उनकी मंशा बिना टिकट यात्रा करने की नहीं होती। क्या मंत्री जी इस प्रकार के यात्रियों को गाड़ी में भी टिकट उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था करेंगे? दूसरा सुझाव प्राय देखने में आया है कि गाड़ियां कई घंटों से लेट चलती हैं और अपने गंतव्य में पहुंचने में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या माननीय रेल मंत्री जी इस संबंध में कुछ उचित व्यवस्था और करेंगे? अंत में मंत्री जी, मैं आपका ध्यान उन रेलवे बिल्डिंग इमारतों की तरफ दिलाना चाहूंगा जो दूर दराज में बनाई जाती हैं। जब मैंने कई बार देखा है उन बिल्डिंगों के बारे में, नई बिल्डिंगों के बारे में, जो वो मटेरियल वहां पर यूज किया जाता है बहुत ही इनफीरियर क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाता है विशेष रूप से, इसलिए ईंटें जो होती हैं बहुत घटिया किस्म की वहां पर लगाई जाती हैं। जहां पर जिन इमारतों पर घटिया किस्म का मटेरियल यूज किया जाएगा, फिर आप सोच सकते हैं भी उन बिल्डिंगों का आने वाले समय में क्या हाल होगा। इसलिए मंत्री साहब से मेरा निवेदन है, ऐसी बिल्डिंगों को आगे भविष्य में इनके पर विशेष ध्यान दे करके इस काम को रोकने काम करें और अच्छा मटेरियल इमारतों में लगे ऐसा काम करें। आप सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका दिल की गहराइयों से सिर झुका करके आपका आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मिस्टर मोहम्मद अली खान। वुड यू लाइक टू अलो नसीम फारूक टू को आफ्टरवर्ड्स यू कैन स्पीक? नहीं भाई, बोल देता हूं साहब। ओके, थैंक यू डिप्टी चेयरमैन साहब, जो मुझे आपने रेलवे बजट पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, सुरेश प्रभु जी ने जो बजट रखा, ये देश की आवाम के लिए एक मायूसकिन बजट था। जिस उम्मीद के साथ बीजेपी सरकार ने अपने वायदों के साथ इख्तदार पे आई, लेकिन आवाम को जिस उम्मीदें दिलाई थी वो उम्मीदों को पूरा नहीं किया। मैं आपको, क्योंकि काफ़ी मुखरिर ने अपने ख्याल का इजहार किया है,
मैं अपने आप को अपने करके मैं अपनी तकरीर को जारी रखूंगा। सर, मैं जिस रियासत से ताल्लुक रखता हूं, मैं बेफरकेशन के पहले मैं आंध्र प्रदेश में था, लेकिन बेफरकेशन के बाद मेरा स्टेट तेलंगाना कहलाने के हो हुआ। सर, मैं आपको एक बात याद दिलाते चलूं, चेयरमैन साहब, देश के तमाम जोनों में साउथ सेंट्रल रेलवे ऐसा जोन है जो कि आज तक भी इसका जो इनकम है, इसकी जो आमदनी है, तमाम जोन से इस जोन की आमदनी ज़्यादा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेरी रियासत की जो ट्रेनें थी, जो ट्रेन की लाइनें थी, वो आज़ादी के पहले से वो लाइन बनी थी, लेकिन उसमें किसी तरीके की नई तामीरों का उसके गुंजाइश नहीं रखा। सर, मैं आपकी तोसे से दिलाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑफ द लेन फ्रॉम द बोधन टू बिडर इज ए पेंडिंग सिंस मेनी ईयर्स, द रेलवे लाइन फ्रॉम द सिकंदराबाद टू जहीराबाद सर्वे हैज बीन कम्प्लीटेड बट नॉट इन इनिशिएट सो फार। सर, इट इज ए पेन टू इन्फॉर्म दैट देयर इज सो द नो फाइनेंशियल सैंक्शन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द अबव लाइन। देयर इज ए नीड टू इंट्रोड्यूस द इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम हैदराबाद बिदर एंड डेली बेसिस लेइंग ऑन द न्यू रेलवे लाइन फ्रॉम पटनचेरू संगारेड्डी जोगी पेट मेदक एंड ऑल्सो फ्रॉम जोगी पेट आर्द्रगड्डा टू पद्यपेश्वरम नदीगुंडा पीटापुरम बांसवाड़ा बोधन। सर, मैं आपके तौर से मिनिस्टर से गुजारिश करूँगा, अबाउट 50% ऑफ द टोटल एक्सीडेंट क्यूर अनानिमस लेवल क्रॉसिंग द शॉर्ट टर्म गोल ऑफ द सेटिंग ऑफ द वीडियो विजुअल वार्निंग सिस्टम एट द समन लेवल क्रॉसिंग इज द ऑल्सो द वेलकम। सर, मैं आपके तौर से मिनिस्टर से गुजारिश करूँगा कि सिकंदराबाद स्टेशन may be kindly to include in the list of the 10 station having a mall and shopping complex coming up at the air space for the station including about train lines. A proposal to change the name of AP Express, Telangana Express may be can be accepted. Sir, iska jo AP Express ka jo mamla tha budget ke upar, budget ke andar bhi minister sahab ne iska koi tazkira nahi kiya, lekin afsos ke sath mujhe kehna padta hai to jab Jaipur gate hua tha to ye vaada kiya gaya tha के एपी एक्सप्रेस जो रहेगी उसका नाम चेंज करके तेलंगाना एक्सप्रेस बनाएगा। सर, सैटेलाइट रेलवे टर्मिनल मे बी एस्टैब्लिश इन बावलाली एंड नागोपल्ली इन तेलंगाना। आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू क्लियर द प्रपोजल हाई स्पीड रेल रूट टू रन द ट्रेन विद द एनहांस बाय द स्पीड ऑफ द 80, 90 to 160, 120 किलोमीटर इन टू सेक्टर हैदराबाद चेन्नई एंड सिकंदराबाद नागपुर। द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना हैज ऑलरेडी रेज द इशू pending in the center but so far no action was taken despite the formation of Telangana state. There is a need to set up for railway coach factory and the wagon factory at the Khazipet based on the creation of the new railway division at Khazipet. Pending new railway lines to be completed Peddapalli Karimnagar Jagtial Nizamabad Manoharabad Kukatpalli Akkanapalli Medak Bhadrachalam road to Sattupalli मंचिरियाल टू पेद्दमपेट खाजीपेट टू विजयवाड़ा रघुवापुरम टू मंदामरी मैंगलूर टू रामगुंडम नलगुंडा टू मंचिरियाल जलचल्ला टू नंद्यार। द पेंडिंग इन द सर्वे स्टेट इज अ नीड टू इम्प्रूव रेल ट्रांसपोर्ट टू द एक्सटेंड MMT सर्विस अप टू द टू प्लान फॉर फरकनुमा टू शमशाबाद MMT फेज टू। आई एम इन पेन टू से दैट द रेलवे हैज मेड मर्जर एक्शन टू 141 crore for the railway Peddapalli Karimnagar Nizamabad project, 20 crores for the Manoharabad Kottapalli line, 27.44 crore for the new Sikandrabad Mahbubnagar double line project and 46 crore for the Khazipet Balarsa triple line project which you will not put late. Sir, main aapki tawassul se minister sahab se guzarish karunga के इनिशिएट टेकन ऑफ द रेलवे मिनिस्ट्री आई व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द हैदराबाद एंड सिकंदराबाद टू द मैलोली टू नागलपल्ली रेलवे स्टेशन नीड टू बी अपग्रेड एंड डेवलप इन द फुल प्लेज टर्मिनल स्टेशन इन ऑर्डर टू द इजी प्रेशर टू सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। द रेलवे मिनिस्टर हैज गिवन ए सीजेबल कॉपरेशन टू फंड टू द लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट इन बोथ द न्यू स्टेट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। The South Central Railway got 2.768 crore allocation from infrastructure to development in the budget for 2015 and 16, which is at 500 crore more than previous year. Among the passenger maintenance, five new works had been sanctioned at the cost of 29 crores on the South Central Railway.
सर मैं आपकी तौसु से मिनिस्टर साहब से और सरकार से गुजारिश करूंगा मेनी ऑफ द प्रोजेक्ट अनाउंस इन द रेलवे बजट लास्ट ईयर बाय द रेलवे मिनिस्टर फॉर द बोथ द स्टेट आर येट टू टेक ऑफ एंड सम ऑफ द न्यू ट्रेन अनाउंस लास्ट ईयर हैज येट टू बी फ्लैग ऑफ So far, there is no development in the proposed high-speed rail route and continue to be remain on the paper due to the lack of fund. Some of the 30 projects running Andhra Pradesh and Telangana is the estimate cost of 2680 crores and going to the slow pace. The railway has a shaking coordination with the officials of the newly created state to consider their requirement so as a given necessary economic boost for the fund of the not getting a release. सर मैं आपकी तवसु से मैं मिनिस्टर साहब और रेलवे मंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि अनकापेट से मेदक मेदक से 7 किलोमीटर कास्टिंग 108 करोड़ एंड मनगूर से रामगुंडम 200 किलोमीटर कास्ट 1109 करोड़ कुकटपल्ली से नरसापुर लाइन कास्टिंग 1025 करोड़ आर येट टू बी स्टार्ट आउट ऑफ 9 रेल रूट्स विच हैव बीन आर पर्पोज फॉर री अपग्रेडेशन अनेबल रनिंग फॉर ट्रेन विथ हायर स्पीड Two route are far under the jurisdiction of South Central Railway. Sir, मैं आपकी तवसु से मिनिस्टर साहब से ख्वाहिश करूंगा कि तेलंगाना वांटेड द नेशनल गवर्नमेंट फॉर द सेंक्शन ऑफ न्यू रेलवे लाइन बिटवीन गदवाल एंड मंचरियाल बर्डगज लाइन फॉर सेटिंग ऑफ द रेलवे यूनिवर्सिटी वरंगल एंड सेंक्शन ऑफ न्यू बिटवीन पंडुरंगापुरम टू भद्राचलम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आर ओ बी एंड आर यू बी एट द 15 लेवल क्रॉसिंग इन रेलवे वर्किंग प्रोजेक्ट सर मैं लास्ट में आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर मरकजी सरकार रेलवे मिनिस्टर ने इशारा दिया है कि ये पीपी के तरफ ये अपनी तवज्जो लेके जाएंगे लेकिन मैं ख्वाहिश करूंगा कि उन लोगों का जो रेलवे के अंदर मुलाजिम है जो एससी एसटी है माइनॉरिटी है वीकर सेक्शन से ताल्लुक रखते हैं उनकी गारंटी उनकी नौकरियों की गारंटी का क्या सवाल पैदा होगा हमने ये देखा है जब कभी भी पीपी के अंदर या किसी मैनेजमेंट के अंदर ये अपना प्रपोजल ड्राफ्ट होता है या प्रपोजल उनके नाम सैंक्शन होता है तो ये जो बेसिक जो इम्प्लाइज है रेलवे के उनके साथ नाइंसाफी होती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मरकजी सरकार और बीजेपी सरकार ने ठान लिया है कि अवाम को आने के पहले जो उन्होंने वायदा किया था कि हमको नई उम्मीदों के साथ देश को भारत के देश को ऊंची बुलंदियों पे लेके जाएंगे अवाम को नई रास्ते एक तरक्की की राह में दिलाएंगे लेकिन सरकार की बातों के हद तक रह गई लेकिन रेलवे बजट के अंदर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना तो हमको कुछ मिला बावजूद के डीजल की कीमत कम होने के अवाम के इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आपने अवाम के किराए के ऊपर कुछ नहीं बढ़ाया लेकिन ये मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि आपके अवाम के किराए से नहीं बढ़ाने से लेकिन जो कास्ट आज रेलवे का है इसका सब में ज्यादा असर जो किसानों के ऊपर गिरा है आज अवाम के ऊपर गिरा है जो चीज़ें खाने की चीज़ें जो यहाँ से वहाँ होके जाती है आज आप मार्केट की हाल देखिए काफ़ी ऊंचा मार्केट 8 दिन 10 दिन से काफ़ी ऊंचा मार्केट जाती है मैं अफसोस के साथ अपनी तकरीर को ख़त्म करते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि अच्छे दिन की बात कहने वाले सरकार ने बड़े अफसोस का सबूत है बजट तो बड़ा है नाम दर्शन छोटे के सबूत के ऊपर पेश किया आपने मुझे मौका दिया मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया के साथ वो खत्म करता हूँ थैंक यू मिस्टर बसवराज पाटिल मान्य सभा उपसभापति जी मान्य रेल मंत्री जी ने इस बजट के ऊपर चर्चा प्रारंभ करने से पहले जो बचे हुए सारे रेल के काम हैं उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से आने वाले 5 साल के लिए जो 1.5 लाख रुपए लेने का करोड़ रुपए लेने का जो बात कही है एक प्रकार का हमारे सभी काम पूरे होंगे इस प्रकार का विश्वास एक देश के मन में गया है जो 8-8.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए अगर अभी बजट पास होने से पहले ही अगर 1.5 लाख करोड़ रुपए मिला है तो फिर निश्चित सरकार ने जो नए ट्रेन खोला नहीं होगा लेकिन जो वायदा किया है जो पुराने जितने भी खामियां हैं उसे दूर करने की ये बड़ा सबसे आनंद की बात है मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि पुराने ज़माने में इतने लोगों ने इतने वायदे किए हैं वायदा तो किसी ने किया लेकिन घोषणा तो नहीं किया लेकिन निभाने का काम हमारे रेल मंत्री इस बार कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र है ऐसा मैं कहना चाहता हूँ साथ ही साथ ये बात मैं ज़रूर बताऊँगा
कि एक साल के बाद जब नया रेल बजट आएगा तब हमको मालूम होगा, घोषणा न करने के बाद भी कुछ रेल जरूर चालू हुए होंगे और वो देश की जनता देखेगी। क्योंकि जब रेल घोषणा होती है तो कई प्रकार की छीटाकानी और चीज़ होती है, बिना बोले चलाना, जहाँ जरूरत है वहाँ चलाना, ये नीति मान्य सरकार की है, ऐसा मैं मान कर चल रहा हूँ। साथ ही साथ हर ट्रेन के अंदर जो लंबी सफ़र करने वाले हैं, अन्य ट्रेन हैं, उनमें दो दो बोगी एक्स्ट्रा करने का, 24 तक करने का जो बात सोची गई है, तो ये निश्चित और यात्रियों की सुविधा की दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और साथ ही साथ समय के बचत के दृष्टि से अलग अलग ट्रेनों को लगभग 20 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक जो उसकी स्पीड बढ़ाने की काम की गई है, इसके परिणाम स्वरूप कम समय में यात्री अपने निश्चित गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। इसके कारण एक बहुत बड़ी सुविधा और राहत समय के दृष्टि से बहुत यात्रियों को हुआ है, मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ। और इस प्रकार कई नए सुधारों के साथ साथ मैं आदरणीय रेल मंत्री जी से अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बातें बहुत संक्षिप्त में, रेलवे डिवीजन का घोषणा होकर लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हुआ है, जितना जल्दी हो वो अपना काम करे, इस दिशा में काम करे, ये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ। परंतु एक बात, कई बार जान या अनजाने में गलती हो जाती है, मैं एक दो ट्रेनों के बारे में उल्लेख करता हूँ। एक चेन्नई से अहमदाबाद ट्रेन जाती है, दूसरी ट्रेन कोणार्क से पूना जाती है। ये दोनों ट्रेन एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन जहाँ की आबादी 12 लाख है, वहाँ गाड़ी नहीं रुकती है, जहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा ईएस हॉस्पिटल है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, पॉपुलर सिटी है, उसी के नज़दीक में और कहीं जहाँ 1 लाख आबादी है वहाँ गाड़ी रुकती है। मैं ये मंत्री जी से विनंती करता हूँ, बिना देरी किए हुए ये जो दो प्रीमियम ट्रेन्स है, चेन्नई टू अहमदाबाद और कोणार्क से पूना चलने वाली ट्रेन, अगर गुलबर्गा में नहीं रुकेगी तो भुवनेश्वर से पूना जाने वाली जो ट्रेन है वो नहीं रुकेगी, वो जनता को बहुत दुख होगा। इतना प्राइम सिटी में नहीं रुकेंगे, रेलवे को एक पूरा नाम सुनना पड़ता है। इससे जो छोटी सी गलती हुई है इसे सरकार स्वयं ठीक करे, मैं ये मान के चलता हूँ। सरकार गुणवत्ता और अनेक ऐसे समय अवधि, वाईफाई की सुविधा, कई बात तो कही है और साथ ही साथ गुणवत्ता के अंदर काम करते समय मैं विशेषकर एक दो तीन बातें सरकार से इस समय कहना चाहता हूँ। विद्यार्थियों के लिए ट्रेन के अंदर प्रवास करने के लिए और लंबे प्रवास करने की मनोवृत्ति बढ़ाने के लिए अगर सरकार कोई विशेष पैकेज घोषणा करेगी जिसके कारण आकर्षित होकर देश में विद्यार्थी और अधिक सुविधा से प्रवास करने में अगर उपलब्ध होगा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि और सरकार के लिए कीर्तिमान होगा। अभी जो प्रणाली है रेलवे स्टेशन में टिकट लेना, बनाना, उसका फॉर्म भरना, उसमें फॉर्मेलिटी में थोड़ा भी फर्क हो गया, एक लड़का कैंसिल हुआ, अगर दूसरा लड़का आ गया तो उनको गाड़ी से उतार देते हैं, परेशान करते हैं। एक पैकेज सिस्टम में रेलवे की सुविधा के बच्चे जितने भी जाते हैं, शिक्षक उनको जाने की दृष्टि से, उसमें व्यवहारिक जो कठिनाई आती है उसे दूर करने का काम कर विद्यार्थियों के लिए अधिक आकर्षण बनाएं, ये मेरी आपसे विनंती है। और उसी प्रकार लोकल, मैं स्वच्छता की बात काफी चली है, मेरे मित्रों ने भी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है, लेकिन एक बात मैं बहुत ये अत्यंत आग्रहपूर्वक माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अगर देश में एक इल्लीगल एक्टिविटीज और अपराधियों का केंद्र है तो देश के रेलवे स्टेशन के आसपास में ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर झाड़ियाँ ज़्यादा होती है, जहाँ पर कई प्रकार के खामियाँ होते हैं, इसके कारण वहाँ बहुत बड़े अपराध होते हैं। रेलवे स्टेशन ही नहीं, रेलवे स्टेशन के आसपास में इस प्रकार की, इसके लिए कोई विशेष धन की राशि हो,
अगर स्वयं मंत्री जी एक बार दिल्ली के चारों कोनों में ट्रेन पर दो दो तीन तीन किलोमीटर यात्रा करेंगे तो इसके दुष्परिणाम कितने हैं। और इतना ही नहीं, गंदगी इतना ज्यादा है कि अगर दुनिया इस देश के अंदर सबसे ज्यादा गंदगी कहीं देखना है तो वो रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूर निकल जाइए, बाईं ओर जाइए या दाहिनी ओर जाइए, बहुत बड़ी गंदगी दिखती है। स्वच्छ भारत के इस कल्पना के अंदर इसके बारे में रेलवे विभाग कोई विशेष पैकेज करके आने वाले 5 साल के अंदर देश के सभी रेलवे स्टेशन के आसपास के अंदर ये होने वाली गंदगी को दूर करने का काम करे, ये मैं आग्रह करता हूँ। ये इसके कारण देश में एक बहुत बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा और कई प्रकार के अपराध को इससे हम रोका जा सकते हैं। इस प्रकार के दो प्रमुख बात मैं कहता हूँ। साथ ही साथ मैं जो फास्ट ट्रेन के बारे में सुने हैं, बुलेट ट्रेन के बारे में सुने हैं, परंतु वहाँ वहाँ कुछ जगह पर गरीब लोग दिन में सफ़र करना चाहते हैं, वो अपनी एक निश्चित डिस्टेंस होती है, जो सवेरे 6 बजे 5 बजे से जर्नी शुरू होती है तो शाम को 10 बजे में वो गरीब लोग अपने घर पहुँचना चाहते हैं। इस प्रकार के जो इंटरसिटी पैसेंजर ट्रेन है, इंटरसिटी फास्ट पैसेंजर ट्रेन है, जहाँ जहाँ ये कमियाँ हैं उसको पूरी करते हुए गरीबों के सुविधा के लिए काम करेंगे तो ये अत्यंत लाभदायक होगा। वैसा ही एक सिकंदराबाद और गुंतकल रायचूर होते हुए दिन में जाने के लिए ट्रेन नहीं है, 10 साल से लोग मांग करते हैं लेकिन अभी तक सिकंदराबाद से लेकर रायचूर या गुंतकल तक फिर वापस की पैसेंजर ट्रेन दिन में नहीं होने के कारण गरीब लोग बहुत परेशान होते हैं। इस दिशा में अगर करके सरकार बुलेट ट्रेन, दुनिया में प्रगति होती है, बुलेट ट्रेन आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, इसका विरोध करना मजाक करने में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन कम से कम गरीब की भी जो आवश्यकता है उसको भी पूरा करने की दृष्टि से सरकार काम करेंगे तो निश्चित हमारे प्रधानमंत्री की और हमारे रेल मंत्री की यह बजट और ये सपना देश के लिए अत्यंत प्यार के लायक होगा। इस दिशा में हमारे रेल विभाग काम करे ऐसे याचना करते हुए इस रेल बजट को मैं समर्थन करते हुए मैं अपने दो बात को समाप्त करता हूँ। प्रणाम। थैंक यू। और श्रीमती रजनी फारूकी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन दिस ऑगस्ट हाउस। इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द रीसेंट बजट प्रेजेंटेड बाय ऑनरेबल Railway Minister Sri Suresh Prabhu. I congratulate Honorable Minister for presenting this maiden railway budget. The Minister has tried hard to make the budget seem extraordinary by making a lot of promises but without any concrete action plan. The time-bound priorities or targets, the rail budget missed an ideal opportunity to lay out the agenda for the future in a concrete manner. Instead, it was a statement of lofty intent. The government has failed to fulfill the promises made in the last budget. After a period of 9 months, still much hyped bullet train is under study. Does the government want to fill these promises in the next time? If that is so, then the Delhi election have made them to think for the next term. The government has already increased huge rail fare last year and promised to provide better facilities, but instead the government has failed in all capacities. The center has failed promises that the decreases in diesel prices would get reflected in the rail fare with corresponding decreases, but this was not done. Although diesel prices were reduced several times, with these decreases in diesel price, the 6-7 times in the last 1 year, the fare should have been decreased too, but without doing, they are trying to take credit for hiking the rail fare. The government is taking about high-speed train, but current trains like Rajdhani Shatabdi Express hardly completes its journey on time. During winter, the condition of the rail journey is horrified, with several trains run late and even forcing them to cancel the journey. Without improving the present system as it justified to fool the people, more promises, the safety of high-speed trains will be a huge risk.
These blatant example is of Delhi Dibrugarh Rajdhani Express, which derailed last year near Chapa district, Bihar. That causes accident is still unknown. The budget announced more than 96,000 crore investment on 77 projects. Those include 9,400 kilometer new railway lines along with their electrification. This is the most ambitious target without clearing up the backlog of more than 360 projects. They have been stuck due to dearth of the financial several years. The finance ministry will provide 40,000 crore to the railway by way of gross budgetary support, which also includes 7,000 crore embankment for the freight corridor project and project of national importance. But what about the rest fund? Where will they come from? Ground realities need to be taken into account. The new project for the state has been announced in the budget, which has opened the scope of FDI in railway project, which will ultimately go against the interests of the biggest public sector entity. The Northeast comprises the contiguous seven sisters. The states like Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, plus the Himalayan state like Sikkim, and it has got tremendous scope for tourism. The railway ministry hasn't proposed anything which can be considered the beneficial for the tourism sector. When the Prime Minister, Mr. Modi, had come to campaign for his election, he has promised lots of good things for the Northeast, but nothing in real life, nothing has happened as such, especially in the railway budget. The Honorable Prime Minister promised to develop the tourism sector in the Northeast, but it has only appeared blatant. The freight hike will result increase the prices of all essential commodities and also increase the miseries of the ordinary passengers by not introducing new train despite huge passenger pressure on existing trains. The railway budget 2015-16 is high on hyperbole and low on content and will not bring the promised good ways for the poor. In sum, the railway budget is not going to result in Achcha Din for poor people. And now, everybody spoke about the railway budget, but I think this railway budget has given nothing to the Northeast people. So I request the railway minister to make two trains in my district, Naugaon. It is Kaliabar Express and Silghat Express, air conditioned. Can you imagine till today, there is not a single air-conditioned train from my district to the other parts. The Prime Minister has given a lot of hope in the Northeast, but we are not sure whether he is seem to be whether he's really think for our Northeast. So I don't want to speak much more about railway budget. It has already been spoken by the members of the different parties. So it is my last request that the minister take lot of request that the minister, that a lot of people from Northeast goes to Bombay for treatment. There is only one train from Guwahati. So my request is that there should be one air conditioned train should be given from Guwahati to Bombay for the people who goes for treatment there. And as you all know, the whole world knows about the Kaziranga National Park, where the one-horned rhinos are there. So that's the tourists and the foreigners, they are very much in trouble because they have to come all the way to Guwahati by flight, then again they go to Kaziranga. So it is it will be like quite taxes for them. So I request the Honorable Railway Minister that there should be one train from the Bangaigaon
to direct to the Nauga. Nauga is the nearest, is only 2 hours drive to Kajiranga. So I request that there should be a special air-conditioned train from New Bangaigaon to Nauga, so that the tourists all over from world and India, they can go there, and it will be a very good present for the people of Assam. So thank you very much. I don't want to take much time. So once again, I thank the minister that he will at least think for the notice part, and I thank sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Now the discussion on the budget railways 2015-16 will continue on Monday, 16th March 2015. Now I